दोस्तों, हमारे देश में अनेकों ऐसे अनगिनत मंदिर हैं जो अपने चमत्कारों और रहस्यों को लेकर दुनिया भर में विख्यात है। उन्हीं में से एक कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर है, जिसकी गिनती भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में की जाती है। आज हम माता वैष्णो देवी गुफा के कुछ ऐसे रहस्यों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। दोस्तों, नवरात्रों के दौरान इस गुफा में कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं देखी गई है, जिसे देखकर मंदिर के पंडित भी हैरान हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। उससे पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग पर। ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत देश धार्मिक देश के रूप में माना जाता है। यहाँ कदम कदम पर मंदिर देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक सबसे पवित्र मंदिर और धार्मिक स्थल है माँ वैष्णो देवी का मंदिर। माँ वैष्णो देवी पहाड़ों की वादियों में बसी है। इनके चमत्कारी रहस्यों ने सभी को हैरान कर दिया है। हर साल ठंड के समय में भी भक्त माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं। यहाँ चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, भक्त जन माता के दर्शन के बिना नहीं आते हैं। माँ वैष्णो देवी की गुफा से जुड़े कई हैरान करने वाले चमत्कार देखने को मिलते हैं। इन्हीं चमत्कारों को देखने के लिए भक्त लाखों की तादाद में हर साल यहाँ आते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर माँ वैष्णो देवी की गुफा में ऐसा क्या है जो व्यक्ति एक बार जाने के बाद जिंदगी में दोबारा कभी नहीं जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि माँ वैष्णो देवी की गुफा के दर्शन सिर्फ और सिर्फ किस्मत वालों को मिलते हैं। इस कारण कुछ व्यक्ति माँ वैष्णो देवी के मंदिर तो पहुँच जाते हैं, परंतु दर्शन नहीं कर पाते। उन्हें बिना दर्शन के ही वापस जाना पड़ता है। माना जाता है कि बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति इस गुफा में फंस कर रह जाते हैं और आगे नहीं जा पाते। वही गर्भजून गुफा का प्राचीन दरवाजा भी भक्तों की संख्या देख कर ही खोला जाता है। मान्यता है कि जो भी इस प्राचीन गर्भ गुफा में एक बार दर्शन कर लेता है, वह व्यक्ति पूरी जिंदगी आनंदमय जीवन जीता है। जिस प्रकार बच्चा अपनी माँ के गर्भ से एक बार निकल जाता है तो दोबारा गर्भ में नहीं जा सकता, उसी प्रकार माता की इस गर्भ गुफा में व्यक्ति पूरी जिंदगी में एक बार ही जा सकता है। इस गर्भ गुफा की एक खासियत है कि इसमें पवित्र गंगा जल निकलता है, जो अपने आप में एक चमत्कार है। बताया जाता है कि इस गुफा में भैरव का शरीर रखा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माँ वैष्णो देवी ने भैरव को त्रिशूल से मारा था तो भैरव का सिर उड़कर भैरव घाटी पर चला गया था और उसका शरीर इसी गुफा में रह गया। तब से लेकर आज तक भैरव का शरीर इसी गुफा में है, ऐसा माना जाता है। माँ वैष्णो देवी की इस गुफा तक पहुँचने में कुंवारी और अर्धकुंवारी घाटी से होकर गुजरना पड़ता है। इस गुफा को गर्भ जून गुफा के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस गुफा में माता वैष्णो देवी 9 महीने तक रही थी, जैसे कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है। दोस्तों, अगर आपको भी माँ वैष्णो देवी से जुड़ी ये खास जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। जय माता दी।